myself Dr. Sandeep Gupta, Regional Director, Indira Gandhi National Open University, Regional Center, जम्मू. आज मैं प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई में इम्प्लीमेंट प्रिपेयर करके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सभी हायर एजुकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है. अभी क्या है, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक हायर एजुकेशन टीचर्स को इसके बारे में ओरिएंट ना किया जाए तब तक जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी है NEP की वो अधूरी रह जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC ने इग्नू को एक दायित्व दिवा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इग्नू जो है एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करे, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, जिसमें कि जितने भी 15 लाख टीचर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू उनको ओरिएंट किया जाए. तो इसी के तहत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक 6 दिन का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप किया और इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 6 दिन है, 36 आवर्स है, जिसको भी कोई भी टीचर जो है 9 दिन के जो कंप्लीट करने का टेन्योर है वो 9 दिन है. 9 दिन के अंदर उस टीचर को वो प्रोग्राम कंप्लीट करना है और उस कंप्लीशन के बाद उसे एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसमें कि 50% अगर वो सिक्योर करता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि उसमें जो है 30% समेटिव, मतलब आपको MCQ असाइनमेंट टाइप का होगा जिसमें कि आप 30% आपको वहाँ सिक्योर करना होगा और 70% का एक टर्म एंड टेस्ट होगा. वो दोनों में आपको 50% सिक्योर करना है और 50% आप जब ऑब्टेन कर लेंगे टीचर तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. और ये प्रोग्राम हमारा जो है इसमें जो मॉड्यूल्स हैं इसमें ई कंटेंट है, ई कंटेंट मतलब कि ई टेक्स्ट है, ई ट्यूटोरियल है, मतलब वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 वीडियो लेक्चर, स्वयं पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें 30 वीडियो लेक्चर्स हैं. फिर ई कॉन्फ्रेंसिंग है, हमारा एक स्वयं प्रभा चैनल है उसके थ्रू ई कॉन्फ्रेंसिंग है. डिस्कशन फोरम है, डिस्कशन फोरम में स्वयं चैनल के थ्रू डिस्कशन फोरम बनाया गया जिसपे डिस्कशन कैंडिडेट डिस्कस कर सकते हैं. तो इस तरह का मॉड्यूल बनाया गया है कि जिससे जितने भी एकेडमिक वर्ल्ड में लोग हैं उनको ओरिएंट किया जाए. और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बता दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है और नथिंग, नोबडी हैज़ टू पे अ सिंगल पेनी फॉर डूइंग दिस कोर्स. और ये कोर्स जो है यूजीसी से अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है. पहले लॉट में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 15 अगस्त से स्टार्ट की कर दी गई है और आज की डेट में अराउंड 15,000 to 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है. और जो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला था फर्स्ट बैच वो 25 अगस्त से स्टार्ट होना था, बट देयर इज़ सम टेक्निकल हिच की वजह से ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया है. और ये डिसाइड हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की साइड से, कि ये प्रोग्राम जो है 5 सितंबर जो कि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है उस दिन लॉन्च किया जाएगा. और इसमें जो उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट करेंगे. तो ये जो मोटिव है हमारा, आप लोगों के माध्यम से हम एक अवेयरनेस लोगों के बीच डालना चाह रहे हैं जो भी टीचर्स हैं. हमने वैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को एक लेटर अपनी तरफ से भेज दिया है कि वो अपने डिपार्टमेंट डिवीजन हेड्स को वो सर्कुलेट कर दें सो दैट कि लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स में ज्वाइन दिस प्रोग्राम और अपने आप को रजिस्टर करें. साथ में हमने प्रिंसिपल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी श्री रोहित कंसल जी को भी एक लेटर लिखा है कि उनकी तरफ से भी एक डायरेक्शन सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस टीचर्स को चली जाए सो दैट कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल में ज्वाइन दिस प्रोग्राम और जो हमारी NEP 2020 है उसके बारे में वो समझ सकें और आगे की जो तैयारियां हैं ना. क्योंकि जो NEP 2020 है ये आपको पता ही है कि 36 साल बाद ये नई पॉलिसी लाई गई है. पहली जो इसके पहली थी वो 1986 में थी और उसके 36 साल बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी बनाई है. तो इसमें बहुत सारे क्यूरिकुलम डिज़ाइन चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज है, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग पेडागॉजी डिफरेंट है,
फ्लेक्सिबल एंट्री, फ्लेक्सिबल एग्जिट सिस्टम है, तो ये सब सारी चीज़ें जब तक हमारे एकेडमिक के लोग नहीं जानेंगे तब तक ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगी। तो इसीलिए ये इसको ध्यान में रखते हुए ये इग्नू का जो एक एम दिया गया है कि इग्नू ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी सिस्टम है जो इस तरह के प्रोग्राम को अक्रॉस द इंडिया क्या कहते हैं ये करवा सकता है। और इग्नू को ये दायित्व देने का एक पर्पज था कि इग्नू का नेटवर्किंग अक्रॉस द इंडिया, इग्नू हर जगह है, हमारे 56 रीजनल सेंटर्स हैं, और अक्रॉस द इंडिया मोर देन 3000 लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स हैं, और ये सारे लर्निंग सपोर्ट सेंटर जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ये कि 36 साल बाद ये नई पॉलिसी लाई गई है। पहली जो इसके पहली थी वो 1986 में थी, और उसके 36 साल बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी बनाई है। तो इसमें बहुत सारे क्यूरिकुलम डिज़ाइन चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज है, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग पेडागॉजी डिफरेंट है, फ्लेक्सिबल एंट्री, फ्लेक्सिबल एग्जिट सिस्टम है। तो ये सब सारी चीज़ें जब तक हमारे एकेडमिक के लोग नहीं जानेंगे तब तक ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगी। तो इसीलिए ये इसको ध्यान में रखते हुए ये इग्नू का जो एक एम दिया गया है कि इग्नू ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी सिस्टम है जो इस तरह के प्रोग्राम को अक्रॉस द इंडिया क्या कहते हैं ये करवा सकता है। और इग्नू को ये दायित्व देने का एक पर्पज था कि इग्नू का नेटवर्किंग अक्रॉस द इंडिया, इग्नू हर जगह है, हमारे 56 रीजनल सेंटर्स हैं, और अक्रॉस द इंडिया मोर देन 3000 लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स हैं, और ये सारे लर्निंग सपोर्ट सेंटर जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में ही हैं। तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इग्नू इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू अवेयर द दिस NEP 2020 प्रोग्राम, और इसी को देखते हुए ये प्रोग्राम इग्नू ने बनाया है। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ऑनलाइन मोड में है, इसमें टीचर्स को कहीं कोई अप्रूवल नहीं लेनी है, किसी से परमिशन लेनी नहीं है, ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में एक जो UGC की गाइडलाइन है कि उसमें आपको अपनी इंस्टीट्यूशन या अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर्स, जो भी फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स अगर ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे बैचेस 5 सितंबर से स्टार्ट हैं, और जब वो रजिस्ट्रेशन करने जाएं तो वहाँ पर बैचेस की लिस्ट है, किस बैच में आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो डेट वाइज बैचेस की लिस्ट है, तो अपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो टीचर या फैकल्टी मेंबर उस बैच में अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। और ये एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इसकी आप अगर आप सर्टिफिकेशन आपकी हो जाती है, आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपके API जो कहते हैं आपकी प्रमोशन, कैरियर एडवांसमेंट प्रमोशन जो होती है उसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, आप अपनी प्रमोशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेट को। इट इज़ इक्वलेंट टू UGC HRDC प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम।